नमस्कार दोस्तों, ओलावृष्टि तूफान के कारण सरकार ने आज किसानों के लिए 203 करोड़ रुपए का बजट 18 फरवरी 2022 के दिन पेश किया है और 203 करोड़ का बजट राज्य के 26 जिलों के किसानों को दिया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश राज्य में जनवरी की जो फसलें थी, यानी वो रबी की फसलें थी, उसमें ज्यादा ओलावृष्टि एवं अत्यधिक बारिश के कारण उन किसानों की फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई है, यानी उन किसानों की पैदावार एकदम जीरो हो गई है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार की ओर से पेश किया है कि राज्य के जितने भी किसानों का फसलों से नुकसान हुआ है या बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है, उन किसानों को 203 करोड़ रुपए का एक बजट दिया जाएगा, जिसमें राज्य के 26 जिलों के किसान अंतर्गत आते हैं और इन 26 जिलों के 1074 यानी 1074 गांव ऐसे हैं जो इस ओलावृष्टि एवं तूफान के कारण काफी चपेट में आए हैं, जिसके कारण उन किसानों की पैदावार जीरो हो गई है। ऐसे में सरकार की ओर से फैसला आया है कि अब राज्य के ताकि इन किसानों की आर्थिक स्थितियों को सुधारा जाए, तो 18 फरवरी 2022 से सरकार ने किसानों को डीबीटी बैंक खातों के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे सरकार की ओर से ये पैसे। इसके लिए सरकार ने एक फसल नुकसान मुआवजा की एक लिस्ट जारी की है, जिस लिस्ट सूची में राज्य के जिन जिलों के नाम अंकित है उन जिलों के सभी किसानों को सरकार की ओर से बड़ा आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है। तो राज्य के जिन 26 जिलों के नाम हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि इन 26 जिलों के अंतर्गत राज्य के कितने किसान शामिल होते हैं। तो सरकार के एक आंकड़ों के मुताबिक बताएं दोस्तों, 1,46,000 से अधिक किसान ऐसे हैं जिनको सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इनकी किसानों की फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई है, ऐसे में सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसके माध्यम से इन किसानों को बड़ा सौगात दिया जाएगा। तो एमपी राज्य के 26 जिलों के किसानों को लाभार्थ करने एवं उनकी फसलों की भरपाई करने के लिए सरकार ने 203 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। जी हां दोस्तों, जिसमें सभी किसानों की जमीन एवं उनकी वार्षिक आय के आधार पर डीबीटी बैंक खातों में सरकार की ओर से पैसा भेजा जाएगा, ताकि वे किसान अगली फसल की बुआई एवं खाद उर्वरकता जैसी कोई आवश्यक सामग्रियां हैं वो दोबारा से उपजाऊ करने के लिए बाजार से खरीद सके, क्योंकि आज इन किसानों की फसल नुकसान होने के कारण किसान बिल्कुल टूट चुके हैं, उन किसानों की आर्थिक दशा बिल्कुल खराब हो गई है। ऐसे में उनके बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका पालन पोषण जैसी समस्याएं काफी सारी देखने को मिल रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार 203 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। चलिए हम बात करते हैं कि मुआवजा के अंतर्गत राज्य के जो 26 जिले हैं वो कौन से जिले हैं जिसके अंतर्गत राज्य के सभी किसानों को आर्थिक कर्जा का जो मुआवजा दिया जा रहा है, तो उसमें बात करते हैं। तो राजगढ़, विदिशा, रायसेन, भिंड, ग्वालियर, अशोकनगर, गुना, धार, शिवपुरी, दतिया, टिकमगढ़, सागर, सतना, सिवनी, दोस्तों इस लिस्ट के पूरे नाम हम जैसे जानेंगे तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिए। अगर आप इन 26 जिलों के अंतर्गत आते हैं तो सरकार आपको 28 फरवरी से आपके बैंक खातों में जो भी आर्थिक मुआवजा आपकी जमीन के आधार पर दिया जा रहा है उसी के हिसाब से आपके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। यानी किसान भाइयों, आप ध्यान रखें, अगर आप अपनी फसल की फसल बीमा का समय पर करवाते हैं तो आपको सरकार की ओर से नुकसान होने पर, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान होने पर सरकार की ओर से बड़ी राहत दी जाती है। तो आप अपनी फसलों का समय पर फसल बीमाकरण जरूर करवाएं, ताकि आने वाली किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बाढ़ आना या ओलावृष्टि या कम बरसात के कारण फसलें नष्ट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार की ओर से बड़ी आर्थिक सहायता मुआवजे के रूप में दी जाती है। तो इस बार एमपी सरकार ने तो पहल कर दी है, क्योंकि एमपी राज्य के काफी किसानों को नुकसान हुआ है, तो ऐसे में सरकार का फर्ज भी बनता है कि राज्य के तमाम किसानों की जो आर्थिक गुहार है उनको पूरा किया जाए, किसानों की आर्थिक सहयोग किया जाए, उन किसानों के जो किसी प्रकार का कर्ज है दूर किया जाए। ऐसी स्थितियां जो काफी किसान को परेशान करती है, तो उसमें सरकार का यही उद्देश्य होता है कि राज्य के सभी किसानों को एक समान आर्थिक सहायता देकर उन किसानों की जो परिस्थितियां हैं उनको दूर किया जाए। आशा करते हैं दोस्तों बताई गई जानकारी, किसान मुआवजा से संबंधित हमने बताई है, वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गई है। फिर भी अगर आपके कोई भी सवाल या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं,
हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसी और कोई नई इन्फॉर्मेशन जानकारी के साथ, तब तक के लिए किसान भाइयों जय हिंद जय भारत।